हम इस वक्त पटना से दिल्ली जा रहे विमान में हैं। इस विमान में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी खुद सफर कर रहे हैं, जो कि पीएम के बुलावे पर जो नीति आयोग की बैठक है उसमें शामिल होने दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन आज बहुत घटनाक्रम हुआ है पटना में, जब एक तरफ डिसोल्यूशन की बात हुई है। सर, बताया जाए मुख्यमंत्री जी की जिस तरीके से आज बैठक हुई है जेडीयू विधायक दल की, और उसमें नीतीश कुमार को न सिर्फ नया नेता चुना गया बल्कि आपको बाहर कर दिया गया है, क्या कहेंगे आपको बाहर करने की बात? जो बैठक अवैध ही है और अवैध करार किया गया है, उसमें कोई नेता चुने कि उपनेता चुने, किसको बहाल कर दे, किसको बर्खास्त कर दे, इसका कोई माने है? विधायक दल की बैठक बुलाने की अथॉरिटी कंस्टिट्यूशनली है, नेता जो होता है सदन का वो मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री अभी मैं हूँ, हमको राज्यपाल ने कोई बर्खास्त किया है क्या? तो जब बर्खास्त न किया है तो फिर दूसरा बर्खास्त करने वाला कौन है? वो राज्यपाल के यहाँ बोल सकते थे कि हमारा बहुमत है और हमको नया नेता चुनने का इजाजत दिया जाए, तब ऐसी बात होती। तो वो उसका तो होगा फ्लोर पर हम लोग उसे बहुमत साबित करेंगे। आप तैयार हैं कि फ्लोर के भीतर ही आप? निश्चित रूप में तैयार हैं हम लोग फ्लोर पर। लेकिन मुख्यमंत्री जी, उनके पास 97 विधायक आ जाए और बहुमत उन्होंने दिखाने की? 5 दिन से फ्रॉड कर के लोगों से दस्तखत ले रहे थे, वो तो 97 किए सो गलत किए, वो तो 111 भी कर सकते थे वो। इसलिए उनका प्री प्लान था, वो 3 साल से व्यग्र भारत, 3 महीना से व्यग्र भारत थे, सत्ता से बाहर नहीं रह सकते थे, ये उन्होंने शो किया और आज ये हो गया। अगर किसी दूसरे को भी अगर प्रपोज करते तो हम समझते उन्होंने सारी माने ताज की बात हुआ अपने ऊपर, जो होने वाला नहीं है, बस चलिए हो गया। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल और है कि क्या आप फ्लोर पे बहुमत के लिए आप बीजेपी से मदद लेंगे? हमने तो अभी कह दिया है आपको, अब मदद किसका होगा क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं, आगे की बातें हो। ये है हमारे साथ मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, जिनके साथ हम ऑन बोर्ड हैं इस समय पटना से दिल्ली की फ्लाइट के लिए। एक दो सवाल और है मुख्यमंत्री जी, आप जो आपने डिसोल्यूशन कहा है, जो और मंत्री हैं वो, जो मंत्रिमंडल के और लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये इनके मंत्रिमंडल के भीतर मंत्रिमंडल किया है और हम लोग ज्यादा। देखिए, मंत्रिमंडल में विरोध है, पक्ष नहीं होता है, वहाँ निर्णय होता है, जो उसका चेयरमैन होता है वो निर्णय लेता है। अब क्या ये माना जाए कि फ्लोर टेस्ट पे जीतन राम मांझी जो मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी से सहयोग लेंगे? अब ये बात अलग की बात है, हम बीजेपी से क्यों सहयोग लेंगे या क्या करेंगे, आगे की परिस्थिति है। अभी जनता दल यूनाइटेड के लोग हमारे बहुत साथ हैं, वहाँ भय से गए हैं और जो भय दिखलाते रहे लोगों को उसके चलते सारी बात हुई, स्वाभाविक रूप में हमारे साथ लोग। मुख्यमंत्री जी, कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, 21 मंत्रियों ने बर्खास्त किए गए हैं, इस्तीफा नहीं दिए। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पहले एक महादलित को मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद आपको हटाने की कार्रवाई हुई, इसको किस तरीके से देखते हैं? यही चेहरा तो सामने आ गया कि क्या महादलित के प्रति उनका क्या प्यार है। मुख्यमंत्री जी, आखिरी सवाल ये भी है कि आप कितने लोग आपके साथ होंगे इस? अब बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं। चलिए, तो ये थे जीतन राम मांझी, बिहार के मुख्यमंत्री, साफ तौर पर कहते हुए कि नीतीश कुमार पहले से मुख्यमंत्री बनने का मन बनाए हुए थे और 3 महीने से इस बात का प्रयास कर रहे थे।